इटली के वेनिस शहर में मंगलवार को एक बस ओवरपास से नीचे गिर गई। इसके बाद बस में आग लग गई। हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं। 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया जा चुका है। इनमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में कुल 40 लोग सवार थे, इनमें यूक्रेनियन समेत विदेशी टूरिस्ट थे। जानकारी के अनुसार बस मिस्त्री के रेलवे ट्रैक के करीब ब्रिज के नीचे गिरी थी, जो ब्रिज के जरिए वेनिस से जुड़ा हुआ है।